तो आई गाइस, मैं डिसाइड फ्रॉम ट्रैवलिंग बाजी और आज की वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं बैंगलोर में एक हॉस्टल में। अराउंड मेरे को 350 रुपये का पड़ा है। बैंगलोर बेसिकली वन ऑफ द मेजर सिटीज है इंडिया की, और वहाँ पे अगर आपको 350 रुपये में रहने की जगह मिल जाए ना तो बहुत कमाल की है। हॉस्टल का कॉन्सेप्ट अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा, हॉस्टल बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, सोलो बैकपैकिंग करते हैं। 2-3 लोग ही हैं अगर, और एक जगह चाहिए मतलब पूरे दिन घूमना है और कुछ एक्टिविटीज़ लोगों से बातचीत करनी है, उन लोगों के लिए होते हैं हॉस्टल। एक ऐसी हॉस्टल में जा रहे हैं हम लोग अभी, द हुड करके नाम है उसका, कोरमंगला में है। अराउंड 350 रुपये मेरे को लगा है उसका। जाके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कभी हॉस्टल में स्टे किया कि नहीं। मैंने किसी देर के वीडियो स्टार्ट करें। एक चीज़, मैंने ये जब वीडियो स्टार्ट करने लगा था, मतलब ये इंट्रो जब ऑलमोस्ट अभी ऑटो एक्सीडेंट हो गया था, ऑलमोस्ट मतलब मैं जब ये वीडियो अभी स्टार्ट करने लगा था तो मैंने सोचा था कि आपको रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करते हैं, बट 40 मिनट, आधे घंटे से 40 मिनट तो मेरे को ऑटो ढूंढने में ही लग गए। एक तो बैंगलोर का ट्रैफिक स्यापा, ठीक है, ऊपर से कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलना स्यापा। तो आगे वाली वीडियोस में ना मेरे को एक बहुत यूनिक एक चीज़ मिली है बैंगलोर में, जो मतलब हमारे वेजी बाजी और ट्रैवलिंग बाजी फैमिली के एक मेंबर हैं, वो सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ हम लोग बैंगलोर घूमेंगे। तो वो बहुत यूनिक चीज़ एक दिखा रहे हैं बैंगलोर में ट्रैवल करने के लिए, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। बाकी बातें बाद में, बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3-2-1। कोरमंगला तो पहुंच गया हूं, बट पता नहीं कहां पे है। फाइनली मैं पहुंच गया हूं द हुड में, और लोकेशन थोड़ा सा पंगा था, कुछ ज़्यादा ही पंगा था मेरे को। एक्चुअली मैं इस गली में था, मेरे को इस गली में आना था, एंड मैं पूरा घूम के ऐसे आ गया था, तो दैट वाज बड़ा प्रॉब्लमेटिक। तो अब मैं आपको एक हॉस्टल का छोटा सा टूर दे देता हूँ। तो बेसिकली किसी भी आप हॉस्टल में जाएंगे ना, तो ये बंक बेड्स होते हैं, ये आपको 4 या 6 या 8 के कॉम्बिनेशन में मिल जाते हैं। जो ये वाला था जो 350 रुपीज़ का था, इसमें ये ऑल बॉयज़ वाला था जिसके अंदर 8 लोगों के साथ, मतलब 7 और लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा था। ये वहाँ की बाहर की बालकनी है, और व्यू भी काफ़ी अच्छा है, लोकेलिटी भी काफ़ी अच्छी है, लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, और हाइजीन क्लीनलीनेस वगैरह भी सब मेंटेन्ड है। और ऊपर जो है छत है जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं, और ये बंक है, बंक के अंदर भी साइड में आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रोटेक्शन है रात में सोते हुए। और यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट है जहाँ पे आप अगर मेरी तरह क्रेज़ी हो तो आप बहुत सारा सामान चार्ज करते हो तो आप वो भी कर सकते हो। और बस एक यहाँ पे चीज़ है कि यहाँ पे एसी नहीं है, तो वो फ़ैन जो आपको दिख रहा है वो फ़ैन लगा हुआ है, और तो बाकी काफ़ी डिसेंट है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था इनसे, उन्होंने बोले कि 50 रुपीज़ का ब्रेकफास्ट होता है, बट आपको पहले ही बताना पड़ता है। मैं बहुत कल थका हुआ था तो मैं सो गया था, तो मैं बता नहीं पाया, तो तभी आज मैंने अपना ब्रेकफास्ट मंगवा लिया। मैंने रिक्वेस्ट करा बट उन्होंने बोला नहीं, हम लोग ना अनलिमिटेड में बनाते हैं, बट 50 रुपीज़ का ब्रेकफास्ट होता है। डोसा मिलता है आपको अनलिमिटेड क्वान्टिटी, लंच आपका 100 रुपीज़, डिनर आपका 100 रुपीज़, पहले से बता दो, वेरी रीजनेबल, बढ़िया, आई लाइक इट। 350 रुपये में फुल पैसा बस रही है। तो क्योंकि मैं रात में बहुत ज़्यादा लेट आया था, अराउंड 12-12:30 बजे आया था, और मुझे आइडिया नहीं था कि सुबह ब्रेकफास्ट इतने सस्ते रेट में मिलता है, और रात में ही सबसे पूछ लेते हैं कि आपको लंच खाना है, उस हिसाब से बनाते हैं। अनलिमिटेड तो होता है पर एक लिमिटेड क्वांटिटी में बनाते हैं सबके लिए, अंदाज़ा लगा के। तो मैंने सारा खाना मंगवाया था, मेरे को करीबन 150-200 रुपये के आसपास का ये सारा खाना पड़ा था, और हेल्दी तो था बट दुख बहुत हुआ कि मेरे को वो सस्ते दाम वाला खाना नहीं मिला। बट आप अगर यहाँ पे कभी भी जाएं तो आप अनलिमिटेड वाला ही लेना। चेकिंग आउट। तो अभी मैं आ रहा हूँ द हुड से। बेसिकली एक हॉस्टल था कोरमंगला में, और कोरमंगला अगर आपको नहीं पता तो बहुत प्राइम लोकेशन है बैंगलोर में, जहाँ पे सारे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, और ऑफिसेज वगैरह भी आसपास में है, तो वर्क लाइफ भी बहुत अच्छी है। वर्क लाइफ और
नाइट लाइफ का बहुत अच्छा बैलेंस है। द हुड हॉस्टल था, इसका मेरे को सारे डिस्काउंट लगा लोगों के प्राइस पड़ा था ओनली 350 रुपीज़ पर नाइट, विच वॉज वेरी इंक्रेडिबल। बट एक चीज़ अगर हटा दो इसमें से कि इसमें एसी नहीं था रूम्स में, तो प्राइस ठीक था, बट एसी काम चल जाता क्योंकि बैंगलोर का वेदर इतना सही होता है, रात में कोल्ड ब्रीज रहती है तो अच्छा निकल जाता। बट अगर आप ऐसे हो कि आपके एसी के बिना गुजारा नहीं होगा तो दैट कैन बी वन बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। हॉस्टल्स में क्या होता है कि जो कॉमन एरिया होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं और ऐसे बनाए हुए होते हैं कि कॉमन एरिया में लोग आके बैठते हैं तो साथ में इंटरेक्शन होती है और वो मतलब वाइब्स ही अलग होती है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ना मोस्टली जगहों पे क्या होता है, टीवी लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है, सब ऑफ होता है। यहाँ पे पूरा टाइम ऑन था और यहाँ पे वाईफाई वगैरह इतना फास्ट था, तो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये वो सब वाईफाई पे स्ट्रीम हो रहा था, वाईफाई इतना फास्ट था। अब बेसिकली बैंगलोर जो है क्योंकि आईटी हब है इंडिया का, तो वहाँ पे बैंगलोर में जितने स्टार्टअप्स हैं ना उतने तो आई थिंक पूरे इंडिया में नहीं होंगे। हॉस्टल्स में इंटरेक्शन तो होती है बट अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंटरेक्शन होती है, ठीक है। जैसे जयपुर और आगरा में एकदम चिल वाइब्स वाली फॉरनर वाली हॉस्टल इंटरेक्शन होती है। अब मैं गोवा कभी गया नहीं तो पता नहीं मुझे, बट गोवा में आई फील एकदम चिल डूड, लाइफ इज ऑल कूल वाली वाइब्स होती हैं। और बैंगलोर में कौन सी वाइब्स होती है, ब्रो क्या स्टार्टअप कर रहा है, व्हाट इज़ योर बिजनेस मॉडल, ये सब समझ लो। तो ठीक है, अच्छा, मतलब पूरा एटमोसफेयर एकदम वैसा सा है, विच इज़ अ वेरी क्रेजी एक्सपीरियंस, जैसे कहते हैं व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, हॉस्टल टूर मैंने आपको दिया। बेसिकली मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ तो मुझे बहुत पसंद है हॉस्टल्स में रुकना। हॉस्टल से क्या है, एक ना हॉस्टल का कल्चर जो है ना, विच इज़ वेरी लाइवली एंड वेरी यंग, एंड आपको लगता है कि हाँ मतलब कि आप अच्छा सही जगह है रहने के लिए, मतलब जैसे भी है आपको अच्छा लगता है। बट एक चीज़ जो मुझे हॉस्टल्स में पहले बहुत गड़बड़ लगती थी, अब मैं प्रेफर करता हूँ, वो है ऊपर वाला बर्थ। ऊपर वाले बर्थ में क्या है कि मैं ना थोड़ा सा मोटा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या है ना, ऊपर वाले बर्थ में चढ़ना भी दिक्कत होता है और उतरना तो बहुत भयंकर दिक्कत होता है। बट मैंने अभी ये ना एक ये आज मैं ऊपर वाले बर्थ से दो बार नीचे उतर रहा था ना, बोला कि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही, तो अब मैंने फिगर आउट कर लिया है कि आई नीड टू डू योगा, आई डू योगा एंड नेक्स्ट टूर मैं ट्रिप मारूंगा, या नेक्स्ट आपको जो भी हॉस्टल की वीडियो दिखाऊंगा उसके अंदर मैं ऊपर वाले बर्ड से नीचे आराम से मस्त आ जाऊँगा लचक के। सही है। अभी बैंगलोर का ना ट्रैफिक बहुत भयंकर है। अभी हम लोग कोरमंगला में थे, अभी हम लोग सेंट्रल बैंगलोर में जा रहे हैं कूबन पार्क में, वहाँ पे मेरा एयरबीएनबी है और एयरबीएनबी मतलब इट्स लाइक अ प्राइवेट घर है पूरा, उसकी वीडियो आगे बात करेंगे। अभी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कभी हॉस्टल में रुके हो कि नहीं रुके। और अगर आपको बैंगलोर में आके हॉस्टल में रुकना है, आप किसी भी हॉस्टल में रुको, कोई मेरे को इशू नहीं है, बिकॉज़ ये वाली मतलब ये वीडियोज़ जो होती हैं स्पॉन्सर्ड नहीं होती है, मैं अपने पैसे से खर्च करके जाता हूँ। कभी भी कुछ भी अगर ऐसा होता है तो मैं आपको अपफ्रंट बता देता हूँ। बट मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा लगा और 350 रुपीज़ में अगर आप आ रहे हो, आपकी एक महीने डेढ़ महीने की इंटर्नशिप है, तो आप आराम से बात वगैरह करके 7-8 हज़ार में आराम से रह सकते हो। और खाना भी यहाँ पे बहुत रीज़नेबल था, 50 रुपये का ब्रेकफास्ट था अनलिमिटेड, 100 रुपये का लंच अनलिमिटेड और 100 रुपये का डिनर अनलिमिटेड, विच वॉज़ वेरी रीज़नेबल। तो आप यहाँ पे अगर आपका कुछ भी मतलब स्टार्टअप वाटअप या फैंसी वैंसी है, या आपकी कोई आईटी सेक्टर में बीटेक वाले आपकी नौकरी है, तो कोरमंगला या तो कोरमंगला में रहो या फिर बाकी सारी कंपनी वाइट फील्ड में, वाइट फील्ड एकदम ही बाहर है, तो या तो कोरमंगला में रहो या वाइट फील्ड में रहो, ठीक है। एनीवे, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कभी हॉस्टल में स्टे किया कि नहीं करा। मैं तन्मय फ्रॉम ट्रैवलिंग बाजी, मैं निकलता हूँ किसी और बढ़िया जगह की तलाश में आप लोगों के लिए। तलाश तो कर ली है बट अभी जाके देखते हैं कैसी है। आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय नाउ।